फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, पहुंच चुके हैं जागेश्वर। देखिए जागेश्वर मंदिर समूह ग्रुप ऑफ द टेंपल। तो अब हम जा रहे हैं मुख्य मंदिर की तरफ। तो देखिए ये जागेश्वर मंदिर एक मंदिर समूह कहलाता है। यहाँ पर कई सारे मंदिर एक साथ हैं, 128 130 मंदिर समथिंग एक साथ हैं। बहुत सारे मंदिरों का ग्रुप कहा जाता है। आगे 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 अब हम मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ तक कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, फिर भी दूर से आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप, ये है मुख्य मंदिर जागेश्वर। सब लोग दर्शन करके आ रहे हैं। तो आप देखिए मंदिर समूह को आपको दिखाया जाएगा। आप ये जो पेड़ देख रहे हैं इसको शिव और पार्वती का रूप कहा जाता है। अभी आप देखेंगे इस वृक्ष को दिव्य वृक्ष माना जाता है और ये देवदार वृक्ष है। और यहाँ पर सबसे अधिक जो पेड़ हैं वो देवदारू के ही हैं, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ठंडा होता है। और आप जानते हैं देवदारू जहाँ होता है वहाँ ठंडा होता है और वहाँ पानी भी अधिक होता है। ये देखिए शिव और पार्वती रूपी वृक्ष। तो यहाँ से देखिए बटू भैरव मंदिर स्टार्ट हो गया है। और बटू भैरव मंदिर के बाद हमें आपको दिखा रहे हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। ये लिखा हुआ है देखिए,
तो आप देखिए यहाँ पर सामने बटू भैरव मंदिर है, और ये देखिए नीचे अभी बंदर कैसे उत्पात मचा रहे हैं। ये नदी के उस तरफ देखिए ये बटू भैरव मंदिर है। इधर मैं जा नहीं पाया था, दूर से ही मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ इसके। और इसके बाद देखिए फिर हम आ गए हैं मार्केट में। देखिए ये प्रसादी सजी हुई है और ये दुकानें सजी हुई हैं। तो देखिए अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं चितई मंदिर की तरफ। और ये देखिए सामने कितना सुंदर देवदारू का वन, यहाँ पर आप देखेंगे केवल देवदारू ही देवदारू है, पूरा देवदार से भरा हुआ है एकदम। बहुत ही सुंदर, मनोरम, रमणीय, आनंदित करने वाला। कैसा लगा आप लोगों को जागेश्वर? तो इनका तो आज बर्थडे है, और बर्थडे में सरप्राइज इनको जागेश्वर दिया है। और ये क्रिकेटर उसी ने तो ये देखिए चितई मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पे चितई के दर्शन करेंगे और इसके बाद हम लोग चले जाएंगे घर घर।
देखिए यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, आप देख रहे हैं बहुत सारे कागज। तो ये कागजों की महिमा यह है कि ये लोग अपनी फरियादों को इन पर लिख के यहाँ पर लगा देते हैं, और माना जाता है कि चितई गोलू देवता यहाँ पर आकर इनको पढ़कर इनकी फरियादों को पूरा करते हैं, ऐसी मान्यता कही जाती है जो बहुत ही अलौकिक अद्भुत है। और जय चितई देवता, आप इन सबकी फरियादों को पूरा करें। तो अब हम आ गए हैं मंदिर से बाहर, और यह है हमारी टवेरा गाड़ी जिससे हम टूर करते हैं, और आ गए हैं हल्द्वानी। अब हल्द्वानी में हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर देखिए तिरंगा जो लाइटों पे है, वो तिरंगी लाइट लगाई गई है, बहुत ही सुंदर लग रहा था इसलिए मैंने इसको भी इस पर ऐड कर लिया। ओके, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना प्लीज़।